हमने कॉम्प्रेशनल एग्जाम मास्टर को बोला समझाने के लिए, मैं बोलता अगर स्टोरी अगर मान लीजिए उसको समझ में भी नहीं आएगा तो फिर भी वो आराम से उसमें क्या कर सकता है, पूरा सभी आंसर को ढूंढ करके ओन वर्ड में बना के लिख सकता है। तो ध्यान से देखा है, सपोज व्हाट से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो याद रखिएगा आपके बच्चे को मतलब स्टूडेंट को क्या करना होगा, मतलब व्हाट का आंसर चाहे कोई वस्तु होगा नहीं तो कोई कारण होगा, याद रखिएगा, तीसरा होगा ही नहीं, गारंटी है। नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में अगर वेयर से क्वेश्चन किया जा रहा, क्या जिससे क्वेश्चन किया जा रहा, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका प्लेस होगा, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हु से क्वेश्चन हो रहा, हु मतलब कौन, ये काम, हु आर यू, तुम कौन हो, तो हमेशा याद रखिएगा सामने वाला जो पहला डूअर होगा, जो फर्स्ट करता होगा, जो पहला काम करने वाला, आंसर आपका फर्स्ट डूअर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन विच से दिया हुआ है, विच, तो विच का आंसर याद रखिएगा, लाखों तरीका का क्वेश्चन होता है, लाख इसका आंसर होगा, मतलब जैसा मैनर होगा वैसा सिचुएशन, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इसका आंसर होता है विच का, जैसे विच कलर, विच क्लास, ठीक है, विच स्कूल, अलग अलग आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन अगर हुम से हुआ, WH हुम है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर जो है सेकेंड करता, मतलब सेकेंड, मतलब सेकेंड पर्सन, जैसे तुमने चिट्ठी किसको दिए, मैंने चिट्ठी, मैं लेटर जो है रतन काका को दिया। मान लीजिए वेन से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वेन, WHEN, वेन, वेन मतलब कब, तो वेन से क्वेश्चन पूछेगा तो स्टोरी जो दिया हुआ है उससे आपको सिर्फ टाइम निकालना है। अगर हुज से क्वेश्चन देगा तो हुज का मतलब होता है पोसेसिव केस, और पोसेसिव केस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हीज, हर, ठीक है, देयर, ठीक है, आर, ठीक है, इट्स, ये सब हमारा पोसेसिव केस है बाबू, क्लियर है। अगर वाई से क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में तो हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर आपको अनसीन में, कॉम्प्रिहेंशन नाइनटीन में क्या होता है बाबू, कॉम्प्रिहेंशन अनसीन में क्या होता है, रीजन उसका आंसर होगा, क्या होगा, रीजन। ठीक है, अगर हाउ से क्वेश्चन पूछ देगा, हाउ का मतलब होता है कैसे, कितने, तो इसका आंसर हमेशा मैनर एंड सिचुएशन होगा, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैनर होता है। जब भी हाउ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा हाउ का आंसर 9 प्रकार का होता है। ठीक है, हाउ डीप, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, तो इस तरह से 9 क्वेश्चन अराइज होता है हाउ से। वीडियो कैसा लगा प्लीज़, अगर अच्छा लगा हो तो इस तरह का क्लास और इस तरह का जो है आपको नॉलेज लेने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास कराता हूँ ऑफलाइन, ठीक है।